दोस्तों गुड मॉर्निंग। मेरा नाम विजय है। मेरी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आशा रखता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज की वीडियो शुरू करने से पहले जस्ट मैं एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो और डेली की आपकी जीरो टू जीरो की अपडेट नॉलेज आपके पास अगर नहीं है, तो वो अगर आप सीखना चाहते हो कि मार्केट में सिर्फ गुरुवार को जीरो टू जीरो नहीं होता है, डेली जीरो टू जीरो होता है। इतना मैं आपको बता दूँ, हर स्ट्रिक की एक वीकनेस होती है कि वो स्ट्राइक जो है ना, वो स्ट्राइक अपने सपोर्ट स्ट्रॉन्ग बनाती है, तब तक वो तोड़ती नहीं है जब तक उसे परमिशन नहीं मिलती है प्रायर ट्रेड की। तो इन चीज़ों को समझना पड़ेगा। यहाँ पर लास्ट दिन का अगर मैं आपको मेरा टारगेट दिखा दूँ कि जो हमने इसके अंदर कमाया था नेचुरल गैस के अंदर, तो नेचुरल गैस के अंदर साफ साफ मैंने कहा था कि 235 की जो आउट द मनी की स्ट्राइक है, वो 235 की आउट द मनी की स्ट्राइक, जो भी 225 पे बैठे, जो भी 220 पे बैठे, तो ये 235 का आधा होता है, यानी 35 का आधा होता है 17.5। 17.5 सीधा हिसाब, 17.5। 17.5 का मतलब क्या हुआ कि 215 की जो स्ट्राइक है ना, तो वो स्ट्राइक मार्केट को नीचे डालेगी, 215 की स्ट्राइक। तो इसे कहते हैं जीरो टू हीरो। तो हमने क्या किया, ऊपर से पुट लिया और 9 रुपये से 7 रुपये तक का जोन, जो पूरा डिमांड जोन है, ये होता है नेचुरल गैस का। तो नेचुरल गैस के अंदर क्या किया, यहाँ पर अच्छा खासा हमने यहाँ तक पुट में हमने प्रॉफिट लिया, और ये प्रॉफिट लेने के बाद में यहाँ पे हमारी पोजीशन काट दी, बिकॉज के 739 का मतलब ये होता है कि यहाँ से बाइंग आनी है। 7 की सीरीज जो है ना, वो सपोर्ट होती है। अब इसका जो कॉम्बिनेशन है ना, आपको बैंक निफ्टी में, निफ्टी 50 में दिखाने वाला हूँ। तो इसको सीख लिया तो समझ लो मार्केट आपकी मुट्ठी में रहेगा। तो कौन सी स्ट्राइक आउट द मनी की ऐसी होती है कि जो धक्का मार दे नीचे की तरफ, और जो धक्का मारने के बाद में तुरंत बाइंग में आ जाता है मार्केट और शॉर्ट कवरिंग कर देता है। तो ये सीखना चाहते हो तो इसको जीरो टू जीरो को डेली फॉलो करना चाहते हो, तो अब मैं आता हूँ निफ्टी के चार्ट पर। अब निफ्टी के चार्ट पर आया तो यहाँ पर लेके आता हूँ। तो ये जो मैंने है ना 19,317.65, यहाँ पर एक जोन बना के रख दिया है मैंने, और ये जोन है ना, ये डिमांड जोन है। यहाँ पे ये डिमांड जोन है, यहाँ पे बार 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 सप्लाई जाएगी, ऐसा नहीं कि सप्लाई नहीं जाएगी, लेकिन प्रीमियम ज़्यादा जाएंगे, ये स्ट्राइक नहीं जाएगी। यहाँ पे ना प्रीमियम जाते, स्ट्राइक नहीं जाती। तो ये पूरा डिमांड जोन है, ये पूरा डिमांड जोन है। यहाँ तक फुट अगर मान लो होती है, फुट होती है, तो यहाँ से डिमांड आती है, इतना मैं जरूर बता दूँ। और ये जो पूरा पैनल है ना, यहाँ पे 19,336 का जो पैनल है, तो ये पैनल होता है यहाँ पे इंडिसिजन बनाने का। अब मैं आता हूँ प्रीमियम पे। अब मैं आता हूँ प्रीमियम पे। अगर मान लो कोई बंदा है जिसके पास 13 जुलाई की पुट पड़ी है, और पुट का लोअर उसका 97 पे आ गया है, तो यहाँ पे देख लो, ये पुट का लोअर जो है ना 120, 114 का प्रीमियम, 116 का प्रीमियम यहाँ पे था, 116 का प्रीमियम था यहाँ पे, 116 का प्रीमियम यहाँ पे था। देखो प्रीमियम के बारे में नॉलेज पता होनी चाहिए कि कौन सा प्रीमियम सपोर्ट है। तो ये जो प्रीमियम है ना, 13 जुलाई का प्रीमियम था ना, तो 13 जुलाई का प्रीमियम यहाँ पे वो भी 19,350, 350 की स्ट्राइक बता रहा हूँ मैं यहाँ पे, तो 19,350 का जो प्रीमियम था ना, तो वो यहाँ पे सपोर्ट ले रहा था 116 का, यानी 97, 98 वो तोड़ नहीं रहा था। ये 98 का जो रजिस्टेंस है ना, 97 को वापिस आता था, वापिस नीचे जाता था, वापिस आता था ऊपर, वापिस नीचे जाता था। तो इसने 4 बार सपोर्ट लिए, कितने, 116 के। अगर मान लो मार्केट आज ओपन होता है बराबर, और ओपन होते ही सीधी लिटी बनाता है नीचे की तरफ, 127 का आपको टारगेट मिलता है, तो आपको वहां पे पोजीशन क्लोज देनी दे, बिकॉज के वहां से 127 से लेकर वापिस से बाइंग में है मार्केट, वापिस से बाइंग में नहीं, वापिस से शॉर्ट कवरिंग में मार्केट है। लेकिन इतना मैं जरूर बता दूं कि फिलहाल तो उस पुट का लोअर चल रहा है, और वो लोअर चल रहा है 93 पर, उसका लोअर आ गया। अब 93 पर लोअर आ गया, उसका मतलब क्या हुआ, उसकी डिग्री भी आपको यहाँ मिलेगी। फिर 940 जो लास्ट में दिख रहा है ना आपको, 19,340.40 दिख रहा है ना, तो उसका मतलब क्या है कि वो 94 पे लेवल पे आ गया है। अब यहाँ पे 20 जुलाई 19,450 की पुट ने यहाँ पे 222 का सपोर्ट बना लिया। देख लो, बहुत ध्यान रखना, 20 जुलाई यानी फ्यूचर की स्ट्राइक, तो वो यहाँ पे सपोर्ट बना रही है 222 का। अब ये 222 का जो टारगेट होता है और जो लोअर होता है, दोनों में आपको बता देता हूँ, और 20 जुलाई का, उसके साथ में 20 जुलाई का टारगेट जो है वो भी दे देता हूँ, और 13 जुलाई का टारगेट भी आपको दे देता हूँ। अब 13 जुलाई का जो प्रीमियम 135 पे क्लोजिंग है, यहाँ पे ये मैं यहाँ पे लिखता हूँ, 13 जुलाई का जो प्रीमियम है ना 135 पे क्लोजिंग है, 13 जुलाई
जुलाई 19,350, 19,350 स्ट्राइक है, और इसका जो क्लोजिंग है ना, तो ये 135 पर यहाँ पर क्लोजिंग है, जो मेरे ग्रुप के अंदर जाके मैं आपको दिखा रहा हूँ कि इसके लिए मुझे यहाँ पे जाना पड़ेगा और आपको यहाँ पे मुझे प्रीमियम दिखाने पड़ेंगे। ये रहे प्रीमियम। अब ये जो 19,450, सॉरी 19,450 में यहाँ पे लिख देता हूँ, गलती हो गई, माफ करना। तो यहाँ पर 19,450, तो ये पे मैंने पहले 19,450 लिखा था, तो 19,450 है, उस पर ही मैंने फोकस किया। ये सारे 19,450 के ही लेवल है, तो 19,450, तो 19,450 का 135 का क्लोजिंग है, 19,450 का पुट का क्लोजिंग बराबर 13 जुलाई की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, 13 जुलाई, और क्लोजिंग 135। अब क्लोजिंग 135 होता है तो बहुत सारे लोग हैं ना यहाँ पर बैठे हैं कि जो चाहते हैं कि पुट हो। अब ये जो चाहते हैं ना, ये चाहते हैं कि पुट हो, 19,450 की पुट 13 जुलाई, 13 जुलाई, और स्पॉट चल रहा है। और स्पॉट में मेन चीज क्या बताया आपको, स्पॉट के प्रीमियम 30 रुपये चल रहे हैं। जिन लोगों ने लॉस बुक नहीं किए, तो मार्केट चाहे कितना भी नीचे जाए, उनका प्रीमियम है ना 4 रुपये होने वाला है पहली बात तो, और ओपन होते हैं उसका प्रीमियम 26 रुपया हो जाएगा पहली बात तो उसका मतलब मार्केट कहाँ जाएगा, मार्केट पुट में नहीं जाएगा, मार्केट सी में जाएगा पहले तो, उनका प्रीमियम डिके करने के लिए। तो मार्केट सी में ओपन करने के लिए, उनके प्रीमियम को 26 रुपये के लोअर पे लाने के लिए, यहाँ पे यानी जिन लोगों की स्पॉट एक्सपायरी चल रही है, उनका प्रीमियम 26 रुपये लाने के लिए, क्योंकि वो लोग लॉस बुक ही नहीं कर रहे, उनको तो एक ही है कि स्पॉट में फायदा तो बहुत मिलेगा हमको, लेकिन स्पॉट में फायदा मिलने वाला ही नहीं है। वो यहाँ पे भी लेके आता है तो अभी आपका लॉस है, और वो वहाँ पे भी लेके जाता है तो अभी आपका लॉस है, बिकॉज कि यहाँ पे आपके प्रीमियम यहाँ पे चला भी गया ना, तो स्पॉट का प्रीमियम 3 रुपये हो जाएगा, चलेंगे सारे के सारे प्रीमियम 13 जुलाई के प्रीमियम चलने वाले हैं यहाँ पे दोस्तों। फिर अगर मान लो एक्सपायरी के दिन आपने स्पॉट में काम किया ना, मान लो गया आपका प्रीमियम डिके हो गया। अब मुद्दे की बात पे, 19,450 जो मेरे कहा गया 13 जुलाई, ये 19,450 जिसे कहा मैंने 13 जुलाई, तो यहाँ पे मैंने जो दो दो लिखा है ना, उसका मतलब ये होता है कि डबल टॉप पहली बात तो, और इस प्रीमियम को ये बार बार डबल टॉप देता है, एक बार डबल टॉप नहीं देता, ये नीचे जाने के बाद में भी ये डबल टॉप देने के ऊपर आता है वापिस, और उसके बाद में पुट चलती है। तो यहाँ पे जैसे नीचे छे है, यहाँ पे जैसे नीचे छे मैंने लिखे है, ये छे मैंने लिखे है ना, तो यहाँ पे ऐसे नहीं लिखे मैंने, ये 369 की अकॉर्डिंग पे मार्केट चलता है यहाँ पे, तो यहाँ पे जैसे मैंने छे लिखे और यहाँ पे डिमांड जोन बना दिया है, तो ये जो होता है ना, ये छे का मतलब इसका सप्लाई जोन होता है, तो यहाँ पे 760, तो नीचे भी 760 देख लो, रिवर्स के अंदर देख लो, यहाँ पे भी आपको 760 देखने मिलेगा, और 19,460.70, इसका मतलब 760 रिवर्स में, 19,460.70, तो 19,460.70 में यहाँ पे लिख के दिखा था आपको मैं, 19,460, 19,460.70, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो प्रीमियम था ना, वो 6 रुपया प्रीमियम आ गया, 26 रुपये का प्रीमियम 6 रुपये तक खींच के लेके आए लोग, 26 रुपया प्रीमियम था, 26 पैसे के लिए नहीं, तो वापिस से यहाँ पे जब डबल टॉप होता है, समझो ये ऊपर खुला, यहाँ तक गया, यहाँ तक सेलिंग की, मैंने यहाँ तक सेलिंग दिखाई आपको, लेकिन यहाँ तक सेलिंग नहीं होनी है, ये 3 के सपोर्ट है ना, ये सपोर्ट से जहाँ पे 850 लिखा आएगा, यहाँ पे 550 लिखा है, यहाँ पे 390.50, यानी यहाँ पर होता है एक सपोर्ट, सपोर्ट का मतलब कि जो 200 की स्ट्राइक होती है वो लगा देते डेल्टा ही यहाँ पे, 19,200, 19,300 और 19,400, तो दोनों पुट राइटर ने यहाँ पे वापस से ये है ना, ये चैनल को तोड़कर ये वापस डबल टॉप, और जो हाई दिया होगा उसे डबल टॉप दे देगा, यानी यहाँ पे ही सस्टेन रखेगा, उसके बाद में पुट चलनी है एकदम से पुट, और जिसने होल्ड किया इस पुट को उसको 127 के टारगेट मिलने वाले, लेकिन लेट मिलने वाले बराबर। तो इस तरह से मार्केट में मैनिपुलेटिंग होता है, तो करना कुछ नहीं है। डबल टॉप का मतलब क्या हुआ कि इस चैनल के माध्यम से रजिस्टेंस देना, देख लो, इस चैनल के माध्यम से रजिस्टेंस देना, और इस चैनल के माध्यम से ओवरबॉट रजिस्टेंस देना, यानी स्ट्राइक तो ऊपर जाएगा लेकिन प्रीमियम ऊपर नहीं आएगा, इतना भी जरूर बता दो। मान लो मैं ये चैनल यहाँ तक बना रहा हूँ, और ये मान लो यहाँ तक जा भी रहा है, लेकिन प्रीमियम जो है ना वो ऊपर नहीं जाएगा, प्रीमियम तो आपका वहीं रहेगा, प्रीमियम आपका वहीं रहेगा, मान लो ये ऊपर जाता है तो ये प्रीमियम ऊपर जा रहा है, ये स्ट्राइक ऊपर जा रहा है लेकिन प्रीमियम ऊपर नहीं जा रहा है। जैसे कल मैंने आपको वीडियो के अंदर बताया था कि जो 7 रुपये का प्रीमियम जो जो लेवल था, 7 और 38 का जो लेवल था, तो 7 और 38 का लेवल तोड़ नहीं रहा था, 7 और 38 के लेवल को तोड़ ही नहीं रहा था, बिकॉज के
इसकी बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, हवा में बात नहीं करूंगा, मैं आपको लेके आता हूँ इसके लिए यहाँ पे। तो हमने यहाँ पर देखा इसके अंदर कि 7 ना 39 के प्रीमियम को तोड़ नहीं रहा था, ये 6.5 नहीं लेके आ रहा था, और ये जो स्ट्राइक थी ना ये 235 की स्ट्राइक थी यहाँ पे। तो 235 का आधा वो डबल कर दो कितना हुआ, 470 हुआ कि नहीं हुआ। इसीलिए बैंक निफ्टी के, निफ्टी 50 के अंदर की बात कर रहा हूँ, बैंक निफ्टी में नहीं जा रहा हूँ। इसीलिए इसका जो डबल है ना वो हमारा ओवरबॉट जोन है। तो यहाँ पर ओवरबॉट जोन का मतलब क्या हुआ, 470। तो ये 470 तक जाएगा, 19,470। तो 19,470 इसलिए जाएगा बिकॉज तो 235 की स्ट्राइक वहाँ पे पुट राइटिंग करने वाली है। तो इतना ऊपर जाने के बाद में मार्केट क्या करता है, पुट राइटिंग करता है। तो 470 पर जाने के बाद मेरी 5×7=35, तो उसका मतलब जो भी कुछ प्रीमियम है वहाँ पर डिके हो गए। अभी इस प्रीमियम के बाद में हमें क्या करना है, 13 जुलाई के अंदर पुट के अंदर बैठ जाना है, और 70 यानी 66 के लोअर के बाद में या 70 के लोअर के बाद में बैठ जाओ 13 जुलाई की प्रीमियम पे। 13 जुलाई की प्रीमियम पे 70 के लोअर पे बैठ जाओ, और 70 के लोअर से आप आराम से यहाँ तक का प्रॉफिट ले सकते हो, 126-127 तक का प्रॉफिट ले सकते हो, बिकॉज कि उसका दूसरा डिमांड जोन ही है। और मार्केट इसी तरह से पहले डबल टॉप पे आएगा यहाँ पे, डबल टॉप पे जब तक नहीं आए तब तक आपको ये बाई नहीं करना, तब तक ही प्रीमियम लोअर नहीं देगा। प्रीमियम लोअर तभी देगा जब वो डबल टॉप में ऊपर आएगा, वरना आपको यही बताएगा 71 से बाई, 84 पे सेल, 89 पे, 91 पे सेल, उसके बाद में रिवर्स बाई आता है। तो जब इमोशनली बाय अगर मान लो आप पुट लेते हो तो पुट में आपको लॉस होने वाला है, लेकिन आपने पकड़ के रखा है उसे कि नहीं मुझे इसे 7 पे ही बाय करना है, यानी 71 के लो पे या 66 के लोअर पे ही बाय करना है, तब जाके वो 66 लेवल पे डबल टॉप के ऊपर ऊपर आएगा, जिसे ही चैनल बना के इस तरह आना बराबर, उसके बाद में पुट होना। तो इस तरह से, और मार्केट पुट में अगर जाता है मान लो तो कोई दिक्कत नहीं है, प्लान बी जो है मार्केट का ये है, सीधा सीधा मार्केट पुट में नहीं जाएगा। अगर मार्केट पुट में जाता भी है तो सिमिलरिटी वही है कि यहाँ पे 127 के पुट क्लोजिंग कर देना, और यहाँ पे डिमांड पे बैठ जाना है अगर मान लो मॉर्निंग में ऐसा करता है मार्केट तो, और यहाँ से आपको जो है पुट में प्रॉफिट बुक करके सीधी की सीधी चैनल आपको यहाँ पे सी बैठ कर यहाँ पे आ जाना है, यानी स्पॉट की स्ट्राइक हो या फ्यूचर के कॉन्ट्रा को जो भी हो ना, वो ये पूरा जोन जो है ना, ये पूरा जोन, ये यहाँ पे ये तीन लेके आता हूँ मैं यहाँ पे, तीन तीन का मतलब कि 19,300 वाला जो है ना, यहाँ पे पुट राइटिंग कॉन्ट्रा राइटिंग दोनों स्ट्रेट स्ट्रेटेजी में करने वाला है, यानी नीचे गया तो पुट में प्रॉफिट बुकिंग, ऊपर नीचे प्रॉफिट बुकिंग क्लोज कर दिया, फिर ऊपर आए तो कॉल में, और ऊपर जो खड़े हैं वापिस खड़े हैं तो यहाँ पे सेटलमेंट कर रहे हैं, यहाँ पे सेटलमेंट कर रहे हैं समझ लो, जिस तरह से यहाँ किया। तो ये चैनल वापिस से यूँ बनने वाली है समझ लो, ये चैनल जो यहाँ तक बनी है ना, तो ये क्लोजिंग जो है ना सीधा आपको मार्केट बिफोर टाइम जो भी कहते हैं या सेटलमेंट जो भी कहते हैं, तो ये जो 19,300 की स्ट्राइक है ना, ये यानी एक तरफ से है ना, एक तरफ से वो स्ट्राइक क्या करने वाली पता है आपको, ये स्ट्राइक आपका इस अगले महीने का, यानी अगले अगले सॉरी अगले वीक का आपका पुट का प्रीमियम डिके करने वाली है, बिकॉज के पुट के प्रीमियम में आप अभी से बैठ गए और अभी से सोच रहे हो कि मुझे पुट है ना जो 19,200 तक की स्ट्राइक की मुझे मिलने वाली है। तो आप अगर मान लो ये भ्रमणा में बैठते हो ना, तो ये क्या कर रहा है, बार बार यहाँ पे सपोर्ट बना के इस सपोर्ट से ब्लड मार के ऊपर लेके आएगा। अगर मान लो ये नीचे आता भी है, अगर मान लो नीचे ओपन होता भी है यहाँ पे शुक्रवार के दिन में, तो अभी समझ लो ये नया सपोर्ट बना के ऊपर आ गया, लेकिन शुक्रवार को नीचे अगर ओपन होता है तो भी मार्केट डिमांड में आ जाएगा, और ये 19,300 की जो स्ट्राइक है ना, 19,300 उसका पीवोट है, और पीवोट को बार बार रिटेस्ट करके पुट के फ्यूचर के कॉन्ट्रैक्ट भी शुरू कर देगा, यानी सेटलमेंट तो शुक्रवार का पूरा यही जोन है। आशा रखता हूँ कि ये जो मैंने लिखा है यहाँ पे पूरा 19,450 का लिखा जोखा लिखा है, 19,450 के लिखे जोखे को मैंने यहाँ पे मल्टीपल किया है इसकी स्ट्राइक से, कि 235 का मतलब क्या हुआ, 470। अब 470 को आप देख लो यहाँ पे उल्टा कितना हुआ, यहाँ पे रिवर्स कॉल इसका जो 740 था, तो 470 का निफ्टी का रजिस्ट्रेंस है, बैंक निफ्टी का भी रजिस्ट्रेंस ऊपर की तरफ ही है, और जो इसके बॉटम सपोर्ट है जैसे 0T0, तो ऊपर से 0T0 नीचे होना, यानी कोई भी प्रीमियम को आपको खरीदना हो तो आपको आउट द मनी की जो स्ट्राइक चल रही है जहाँ से शॉर्ट होने वाली है, तो वहां से जाके अभी डबल टॉप पूरा करने के बाद में, अब डबल टॉप पूरा करने के बाद में ये भी आपको सीखना है तो मैं सिखाना चाहूंगा क्रूड ऑयल के अंदर जाके। अब क्रूड ऑयल के अंदर क्या हुआ, कल रात को बताया आपको, कल रात को ये हुआ कि मैंने ये बताया कि क्रूड ऑयल जो है ना ये 5,957 का टारगेट, मुझे मेरे कलीग ने पूछा कि क्रूड ऑयल क्या करने वाला है,
तो मुझे यहाँ पे पूछा कि क्रूड ऑयल क्या करने वाला है, तो मैं यहाँ पे क्रूड ऑयल में ऐसा मैंने बता दिया कि क्रूड ऑयल हो नीचे से ऊपर से, यहाँ पे मैंने क्रूड ऑयल जो है ना यहाँ पे 5,950 अब जाएगा, तो मैंने बोला नहीं 5,950 नहीं जाएगा, 5,970, 5,939 हाई के बाद में, तो 5,957 मैंने टारगेट बताया, 5,957 यहाँ पे जब टारगेट बताया, तो यहाँ पे देख लो कहाँ पे हो गया 5,940 तक। तो कहने के लिए मैंने 57 टारगेट दिया और 40 तक, तो इसे कहते हैं कि प्रीमियम को डिके करना, यानी जो लोग क्रूड ऑयल में खड़े हैं तो वो क्रूड ऑयल यहाँ पर ओपन हो गया, यहाँ पर टारगेट हिट कर दिया, इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे आ गया 70, यहाँ पे आ गया 70, 70 जब आता है ना तब जाके ट्रेड चेंज होता है। और 39 रुपीज़ का जो मैंने आपको प्रीमियम बताया, 740, 740 का मतलब कि 740, तो 740 कहाँ पे आता है वो चेक करना है, तो 740 जहाँ पे आता है तो वहाँ हमें गाड़ी हमारी स्टॉप कर लेनी है। तो 9×54 होता है यानी 5.5 रुपये प्रीमियम होता है यहाँ पे, तो 5×7=35 का मतलब ये 35 हुआ, 35 का मतलब ये हो रहा है, 6×2=12, 9×54, 54 का मतलब ये है 54। तो चलो यहाँ पर हमारी इसकी जो है ना शॉर्ट पोजिशन, इसकी अभी यहाँ पे हम क्लोज करेंगे, यानी यहाँ से हम लोग फूट लेंगे क्रूड ऑयल का बराबर इतना हिट होने के बाद। तो सिमिलरिटी सेम वही है कि यहाँ से फूट होने वाली है बराबर क्रूड ऑयल की। तो 3 कॉल मैंने आपको दिए, आपको मैं निफ्टी में ले जाता हूँ वापिस, निफ्टी का जो पूरा स्क्रीनशॉट है आप चेक कर सकते हो, और सारे के सारे प्रीमियम जो मैंने ढूंढ के लाया हूँ, 13 जुलाई का प्रीमियम का लोअर है समझ लो, तो ये मैंने निकाल के दिया आपको बराबर। पुट का प्रीमियम 66 रुपीज़ का लेवल, तो 66 रुपीज़ का लेवल पुट का प्रीमियम यानी 7 रुपीज़, 70 रुपये, 70 रुपये, ये जो 70 लिखा है ना 460 के पीछे, तो यही उसका प्रीमियम है पुट का 13 जुलाई का। तो 70 रुपीज़ के बाय में बैठ जाओ और एंजॉय करो इसको, 100+ 122 रुपया इसका टारगेट है, 122 इसका मेन टारगेट, 127 इसका मेन टारगेट है। तो आशा रखता हूँ इस वीडियो के अंदर आपको मान लो 100% एक्यूरेसी मिलती है, और सीखना चाहते हो सपोर्ट रजिस्ट्रेशन प्रीमियम को सीखना चाहते हो, यहाँ पे लेवल नहीं दिखा रहा हूँ, यहाँ पे मैं प्रीमियम सिखा रहा हूँ और प्रीमियम को सिखा रहा हूँ, तो मेरी जो चैनल है उसके अंदर मेरा नंबर पड़ा हुआ है। दूसरा, अगर मान लो आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो, आपको ज़्यादा बार बार लॉस होता है, नहीं समझ में आता है और ब्रोकरेज ज़्यादा जा रही है, टैक्स ज़्यादा जा रहा है, तो मेरे जो लिंक है पेटीएम का, तो 1 महीना ब्रोकर, 1 मंथ ब्रोकरेज फ्री है उसके अंदर, तो 1 मंथ ब्रोकरेज फ्री अगर मान लो आप पेड लेते हो, तो 1 महीने बाद में भी आपका 15 रुपया मिनिमम ब्रोकरेज लगने वाला है प्लस GST। तो आशा रखता हूँ ज्वाइन करें, डेली की कॉल ले, प्रीमियम को सीखे ना के लेवल को सीखे, लेवल में कुछ नहीं समझ में आने वाला, लेवल अगर ले भी लिया तो आपके लेवल टूटने वाले, आपकी असली टूटने वाली, और बिना लेवल अगर मान लो प्रीमियम को सीख कर काम किया, 70 से सीधा 7×3 21, 7×4 28, 7×5 35, इनका दिमाग यही चलता है और कुछ चलता नहीं। बैंक निफ्टी के अंदर मूवमेंट ज़्यादा है और निफ्टी के अंदर मूवमेंट एक्सपायरी जो अगली एक्सपायरी आती है उसके अंदर बहुत कम होते हैं, लेकिन प्रॉफिट आपको 100% मिलेगा, इतना मैं बता दूँ आपको बराबर। तो आशा रखता हूँ कि आप सीख कर काम करें ना कि इमोशन में काम करें, अगर मान लो पैसा बनाना है तो सीख कर समझ कर ट्रेडिंग किया तो ही पैसा बनेगा, वरना बार बार लॉस होगा। जय हिंद, जय भारत।